वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुकुल रॉय ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय अपने पुत्र शुभ्रांशु रॉय के साथ TMC में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही चुनाव के बाद चल रही अटकलों पर विराम लग गया। आज TMC की सांगठनिक बैठक थी। बैठक में CM ममता बनर्जी और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में मुकुल रॉय TMC में शामिल हो गए। बता दें, मुकुल रॉय पहले नेता थे जो TMC छोड़कर BJP में आए थे। अब BJP की पराजय के बाद पहले नेता हैं जो BJP छोड़कर TMC में शामिल हो गए हैं। उनकी घर वापसी के कयास तभी शुरू हो गए थे जब वो BJP की बैठकों से किनारा करने लगे थे, लेकिन कारण बताया था पत्नी की तबीयत खराब होने का। उनकी नाराजगी को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्नी के हालचाल लेने के जरिए उनसे फोन पर करीब 10 मिनट बातचीत की थी, लेकिन 3 जून को हुई इस बातचीत के 7 दिन बाद मुकुल ने फाइनली यही फैसला किया कि वो तृणमूल में ही वापस लौटेंगे। नवंबर 2017 में TMC छोड़कर BJP ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय अभी BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही उन्होंने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। TMC के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि मुकुल रॉय को BJP ने उचित सम्मान नहीं दिया, इसीलिए वो दोबारा TMC में वापसी कर गए हैं। शुभेंदु अधिकारी का कद जिस तेजी से BJP में बढ़ा है, वैसा सम्मान मुकुल को नहीं मिला, ये भी उनकी बेचैनी की एक वजह है, जबकि TMC में मुकुल रॉय का कद कभी नंबर 2 का हुआ करता था। कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के अलावा BJP के करीब 33 विधायक और सांसद ऐसे हैं जो दोबारा TMC में शामिल होना चाहते हैं। इनमें राजीव बनर्जी, सोवन चटर्जी जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन यहाँ पेच ये है, ममता सभी को TMC में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।